नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। राहुल ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में कहा था, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया है। कैसे सुपर पावर बन जाएगा जब 90% लोग सिस्टम से बाहर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर अब घमासान शुरू हो गया है। उनके इसी बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तेज तर्रार वरिष्ठ नेता अनिल दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपनी सरकारें याद कर लें, फिर इस तरह के बयान दें। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बात की, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको जानकारी नहीं है। 2022 में छत्तीसगढ़ की रिया एक्का, वो मिस इंडिया चुनी गई थी और वो आदिवासी समाज की थी, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि कोई आदिवासी नहीं है, कोई दलित नहीं है। जो भी प्रतिभाएं हैं वो सभी प्रतिभाओं का कोई नहीं, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं। मिस इंडिया छत्तीसगढ़ से जो 2022 में चुनी गई थी, उसके पहले भी कई आदिवासी और दलित समाज से लोग गए हैं, ये विषय नहीं है। उनके मुँह से पिछड़ों की और दलितों की, संविधान की, आरक्षण की बात वो करते हैं, तो मुझे लगता है क्या उन्होंने नई कांग्रेस बना ली है। 1975 में यही कांग्रेस थी जब इमरजेंसी लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, देश के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में 19 महीने के लिए डाल दिया गया था, तब ये संविधान वही कांग्रेस है या नई कांग्रेस इन्होंने बना ली। मंडल कमीशन, कांग्रेस 4 दशक तक सरकार में रही है, पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन पड़ा था, कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। 1989 में जनता दल की सरकार ने लागू किया, चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको लागू करवाने का काम किया। तो अब वो पिछड़ों की और आरक्षण की, संविधान की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको अपने कार्यकाल में जाना चाहिए, जिस कार्यकाल में कांग्रेस ने ना पिछड़ों का भला किया ना संविधान की रक्षा की, तो वो अपने इतिहास को देखने की बात करें। एनडीए सरकार में ना तो संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को खतरा है, ना ये अपनी जो है उन्होंने जो मिस इंडिया की बात की, अब कल को एंकर की बात करेंगे, तो उनको वो उनको अपने पार्टी से, अपने लोगों से जानकारी कर लेनी चाहिए। अपने तो राहुल गांधी यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर जाति के आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं उद्योगपति में, मीडिया में, बैंक सेक्टर में भी यहाँ पर केवल 10% लोग ही काबिज है, वहाँ पर भी आदिवासी दलित नहीं है, जानबूझ इस तरह बातें कर। दरअसल कांग्रेस जब सरकार में रही, तो जब वो कांग्रेस की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया और बात वो किसानों की करते हैं। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। जब वो मंडल कमीशन लागू करने की बात थी तब उन्होंने मंडल कमीशन को का विरोध किया, मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, आज वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या क्या उनका काम है आलोचना करना, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार जो है अपने उद्देश्यों में, समाज की सेवा में, सभी वर्गों को लेकर के चलने की बात कर रही है, उनका काम विरोध करना, उनको करने दीजिए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेताओं के बयान पर घमासान होता है, जरा आप सोचिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं क्या वो सही है या विपक्षी लोग कह रहे हैं ये सही है, सोचना आपको है। ये 10% और 90% वाला जो बयान है वो सरकार बनाने के लिए दिया जाता है या आप लोगों को भ्रमित कर वोट लेने के लिए दिया जाता है, सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस खबर में अभी इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।